प्रतापगढ़ जिले में ई रिक्शा चालक के अगवा बेटे दीपक का शव कॉलोनी के पीछे स्थित नहर में मिला। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को सरोज के पास रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो मामला बिगड़ गया। पुलिस और नाराज लोगों के बीच झड़प हुई। लाठी भांजकर बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले दीपक के घर वालों ने दो लोगों पर बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी। आज कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जिसके संबंध में कल कोतवाली नगर में मुकदमा लिखा गया था। साथ ही साथ आरोपी गण को भी इसमें पूछताछ के लिए उठाया गया था। तो एक तथ्य निकल के आया, जो मृतक बच्चा है, जो आरोपी गण है, उनका छोटा भाई जिसकी उम्र 7 साल है, घर पे खेल रहे थे, जिस खेल में एक पत्थर उनकी खिड़की वाले शीशे पर मार गया, जिसमें उनका शीशा टूट गया। तो मृतक के पिता जो आरोपी हैं उनके घर पहुंचे और इस संदर्भ में बताया, तो उसकी माँ ने उनको 200 रुपये दे दिए और बदले में अपने बच्चे को भी डांटा। इसके उपरांत दूसरे दिन मृतक के पिता ने एक तहरीर दी, जिसमें आरोपी गण को इंगित करते हुए बच्चे की गुमशुदगी के विषय में बताया। पुलिस ने तत्काल FIR पंजीकृत करी और FIR पर पंजीकृत करने के साथ साथ जो आरोपी गण हैं उनसे भी पूछताछ शुरू की गई। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस अपन करे।